हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुणाल इलेक्ट्रिकल्स में। मेरे पास एक इंडोर की मोटर आई है जिसमें जो है 3 स्पीड मोटर है, और मैं इसको 3 स्पीड मोटर वाइंड करूँगा। मेरे से किसी ने कहा था भाई 3 स्पीड की मोटर वाइंड करो तो फुल डिटेलिंग में वीडियो बनाना, और मैं आज इसकी 3 स्पीड में फुल वीडियो डिटेलिंग करूँगा। ओके दोस्तों, मेरे पास एक ने पूछा था भाई ये इस वाली मोटर में कैसे करेंगे, क्या काम होगा, तो आज मैं बताता हूँ इस मोटर में कैसे किस तरीके से क्या क्या काम होगा। और डबल सावट की मोटर है, डबल सावट है, आप देख सकते हैं इंडोर में डबल सावट हो गया, मतलब दो दो तरफ ब्लोअर है इसके, ब्लोअर मोटर 3 स्पीड और कपैसिटर का अलग से तार है, और इसमें ब्लू कॉमन है, ब्लैक हाई है, वाइट मीडियम है, रेड लो है। ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको इसकी जानकारी दे दूँ, ये मोटर कौन सी है, PI Seal कंपनी की है, मॉडल नंबर है 111 UH 111, और RPM इसके 1350, एम्पेयर है 3.0 और वाट है 450, और हमारा कपैसिटर है इसमें 15 का, आप देख सकते हैं। और इसकी रोटेशन जो है लीड साइड एंटी घूमेगी, मतलब हमारी जो है ना ये लीड इस तरफ से हमारी है उल्टी घूमेगी और आगे से हमारी है सीधी घूमेगी। ओके दोस्तों सॉरी इसके लिए, और इसका बाकी का स्टिकर फट चुका है, जो डायग्राम होता है कैरियर की मोटर है। ओके दोस्तों, और बाकी आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और मैं इसके दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। खोलो भाई, फंसी पड़ी है, एक मिनट मैं इसको ज़रा खोल के दिखाता हूँ। वैसे मैंने इसे खोल रखी है, बस थोड़ी सी दिखाते हैं। ये मेल्ट हो रखी है मोटर, आपको मैं दिखा दूँ कहाँ कहाँ से जली पड़ी है, देख रहे हो पंचर हो रखी है, ये जली पड़ी है, और दूसरे स्टार्टिंग भी है जली पड़ी है। और मैं आपको उसको दिखा दूँ अंदर, पेपर स्लॉट पेपर देख सकते हो आप, मेल्ट हो रखे हैं। तो मैं इस मोटर को अब काटूंगा और वाइंड करूंगा इसको। ओके दोस्तों, और मैं फुल डिटेलिंग में इसकी वीडियो बनाऊंगा, 3 स्पीड में ही मोटर वाइंड करूंगा मैं ये। ओके दोस्तों, अब मैं इस मोटर को काट पीट लेता हूँ, फिर तो उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अंदर की जो कोर है वो 2 इंची कोर है, और जो अंदर का ये डाया है वो 3 इंची 1 सूत है। ओके दोस्तों, और ये 36 लाड मोटर है, पाइप बॉडी में इंडोर AC मोटर, और आप इसका देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। RPM 1350, एम्पेयर है 3.0, वाट है इसके 450, कपैसिटर इसमें 15 का, सीधी रोटेशन है इसकी, कैरियर की मोटर है, और स्पीड का स्टिकर जो है फटा हुआ है। ओके दोस्तों, बाकी ब्लू कॉमन है, ग्रे ग्रे कपैसिटर है, ब्लैक हाई है, वाइट मीडियम है, रेड लो है। और मैं आपको इसके कॉइल डाल के दिखाता हूँ, और स्पीड के साथ के कनेक्शन भी मैं दिखा दूँगा आपको। ओके दोस्तों, मेरे इस मोटर के कॉइल बन चुके हैं, ये रनिंग है ये, और इसमें ही स्पीड है हमारी, आप देख सकते हैं ये रनिंग प्लस स्पीड है इसमें भी है, और ये स्टार्टिंग है, पिच हमारी 5 7 9 6 8 10 10 का डबल। ओके दोस्तों, और ये मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर स्पीड भी हमारी तार डाल रखी है, आप देख सकते हैं इसमें 2 सिरे हैं, जो मैंने जिसमें ये बल दे रखे ये स्पीड वाली तार है, और ये हमारी सिंगल तार जो है रनिंग है। ओके दोस्तों, और मैं जो मीडियम बनती है वो कनेक्शन से ही बनती है, बीच में जो हमारा शुरू का शुरू अगर आखिर के आखिर से कनेक्शन होता है उसको हम मीडियम बनाते हैं। ओके दोस्तों, शुरू में जो हमारी स्पीड के साथ रनिंग होती है, और रनिंग के साथ जो स्पीड होती है वो हमारी लो बनती है, और उसके साथ वाली हमारी हाई बनती है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिलहाल तो मैं अभी इसमें कॉइल डालता हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, हमारे रनिंग के कॉइल डल चुके हैं और स्पीड भी हमारी डल चुकी है। मैंने इसमें जो सेट डाले वो दो दो के सेट डाले, मैं आपको दिखा देता हूँ, कनेक्शन सिंपल ही होते हैं, शुरू से आखिर का होता है। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारा लीड साइड है वो ये है, ये हमारी इसमें स्पीड भी है और रनिंग भी है, ठीक है ना। अभी देखो मैंने इसमें दो दो के सेट डाले, आप देख सकते हैं इधर कोई कनेक्शन नहीं हो रहा ना, इधर कनेक्शन हो रहा है इसके साथ। अरे दोस्तों, और मैं आपको इसकी मीडियम बता दूँ कैसे होती है, बस मान लो कि जैसे हमारे शुरू से आखिरी आखिर के सिरे से तो हमारा कनेक्शन है, तो हमें अभी ऐसे ही मीडियम बनाने के लिए जो मैंने इसमें ये देखो घुंडी डाल रखे ना, अब ये वाली जो घुंडी है इस वाली घुंडी के साथ, ये देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारी ये मीडियम, ये देखो ये हमारा रनिंग है, इसे तो हमने साइड में कर दिया तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा, और ये दोनों जो है ना ये गुंडी गुंडी, मतलब जो मैंने जिसे बल दिए है, ये हमारी होगी मीडियम, जो हमारा जो कनेक्शन होता है ना सिंपल वैसे ही है। ओके दोस्तों, ये हमारी मीडियम होगी, और ये हमारे कनेक्शन बन गया, ये हमारा कनेक्शन करके स्लिप जोड़ दिया, उसमें हमने मीडियम तार लगा दी, और बचे हमारे कौन कौन सी तार, ये बचे हमारी सिंगल तार एक लो की, ये हमारी लो सिंगल तार, और इधर भी हमारी स्पीड की तार हो रहा है, देख सकते हैं ये हमारी एक स्पीड की तार, ये वाली स्पीड की तार हमारी इस रनिंग के साथ जुड़ जाएगी, जो बन जाएगी हमारी हाई। ओके दोस्तों, रनिंग के साथ जुड़ जाएगी, ये हमारी बन जाएगी हाई, और ये हमारी लो, और ये रही हमारी मीडियम। ओके दोस्तों, मैंने इसमें बता दिया, फिर हमारी जो सिंगल तार जो कॉमन बचेगी ये हमारी कॉमन होगी, और जो दो तार जो डलेगी हमारी स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग कॉल डलने का जो एक कनेक्शन बीच का बचेगा हमारा वो जोड़ देगा कनेक्शन, फिर हमारे 2 सिरे निकलेंगे इधर से, वो स्टार्टिंग का सिरा हमें एक रनिंग में देना पड़ेगा, और एक हमारी ये
स्पीड का देना पड़ेगा, और दूसरी हमारी स्टार्टिंग का एक सिरा लेना पड़ेगा, वो बन जाएगी हमारी 3 तार वाली हाई ब्लैक जो होती है। ओके दोस्तों, बाकी आपको मैं बाद बताता हूँ, जब मेरी स्टार्टिंग डल जाएगी फिर मैं आपको कनेक्शन भी दिखा दूँगा। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, हमारे स्टार्टिंग का लास्ट सेट है, उसके बाद मैं पीछे का इसका धागा करूँगा, धागा करने के बाद फिर मैं आपको उसके कनेक्शन भी बताऊँगा। हमारे स्टार्टिंग की 8 की पिच का भी कॉइल डाल चुका है, कॉइल जब भी डालो आराम से डालो, तार छिलना नहीं चाहिए, बस इसमें तार छिलती है तो स्पार्किंग का बड़ा डर होता है, क्या कभी धीरे 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 स्पार्किंग में ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वार्निश तो करते हैं, वार्निश जहाँ जाने तो वहाँ तक तो जा नहीं पाती, बस ऊपर ऊपर ही रह जाती है वार्निश भी, और इसमें हम ऐसे डुबा के भी नहीं कर सकते, कोई पाइप है इसके अंदर, पाइप बॉडी वाली है ये, ये हमारा है 10 का पिच का कोयल, 10 की पिच का कोयल, और ये डबल होता है हमारा। ओके दोस्तों, हमारा ये लास्ट कोयल है। ओके दोस्तों, हमारे जाने की स्टार्टिंग दोनों डाल चुकी है, मैं आपको इसके कनेक्शन भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो अभी मैंने इसमें कनेक्शन कोई करे नहीं है, 3 स्पीड में मैं आपको उसके कनेक्शन बताऊंगा किस तरीके से इसमें कनेक्शन करते हैं। ओके दोस्तों, अब ये देख सकते हैं मेरा पहला सिरा रनिंग का और स्पीड का, आप देख सकते हैं ये इसमें घुंडी है, और दूसरा सिरा मेरा ये, दो दो के सेट मैंने डाले, दो सेट ये मेरे, दो सेट ये रहे। और दोस्तों, मैं इसमें कनेक्शन करूँगा, रनिंग का कनेक्शन कर दूँगा और स्पीड इसमें मीडियम निकाल दूँगा, तो आप ये देख सकते हैं अभी फिलहाल मैं अभी कच्चे ही करूँगा। ये देख सकते हैं ये हमारा रनिंग का सिरा है, ये हमारा इस कॉइल का सिरा है, और इस कॉइल से हमें कनेक्शन करना है। इस कॉइल का सिरा हमने पकड़ लिया रनिंग का, और दूसरी रनिंग हमारी ये रही। ओके दोस्तों, अभी मैं फिलहाल कच्चे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने कच्चे कर दिए, ये हमारी जो एक में घुंडी बंधी हुई है, ये देखो दिख रहा होगा घुंडी, और दूसरी घुंडी, तो ये हमारी होगी मीडियम। ओके दोस्तों, ये हमारी होगी मीडियम, दिख रहा होगा आपको मीडियम मैंने बना दिया, और ये हमारा कनेक्शन हो गया। ओके दोस्तों, ये हमारी मीडियम बन चुकी है, और ये हमारा कनेक्शन हो गया, तो हमारे ये दूसरे निकल चुके हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ दूसरे हमारे, अब हमें हाई बनानी है तो हमें क्या करना होगा, ये रही हमारी रनिंग का पहला शुरू का सिरा रनिंग का, और दूसरा हमारा ये रहा रनिंग का सिरा। नहीं दोस्तों, तब हमें हाई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमारी कॉमन बन गई, ये हमारी स्पीड है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी स्पीड है, और ये हमारी इससे ये हमारी हाई बन गई, और ये हमारी लो निकल गई, ये हमारी मीडियम बन गई। ओके दोस्तों, इस तरीके से बनते हैं, और हमें रोटेशन के हिसाब से हमें कौन सी रोटेशन चलानी, तो हमें सीधी चलानी है, तो हमें सीधी चलाने के लिए मैं कौन सा स्टार्टिंग का सिरा पकड़ना पड़ेगा, मान लो मैंने स्टार्टिंग का भी कनेक्शन कर चुका हूँ मैं, हमारे ये दो सिरे समझ लो, इन्हें छोड़ दो, ये कनेक्शन होंगे, है ना दोस्तों, ये हमारे दो सिरे स्टार्टिंग के, ये हमारे दो सिरे स्टार्टिंग के, तो हमें हाई बनानी है, तो हमें हाई तो हमारी बन चुकी है, पर हमें रोटेशन सीधी करनी है, तो मैं आखिरी का सिरा हाई में जोड़ दूँगा। ओके दोस्तों, ये हमारी बन गई हाई, हमारी हाई बन गई है, ये लो बन गई है, और हमारी ये एक मीडियम और ये कॉमन। ओके दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारी ये वीडियो में अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी दोबारा सही तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए, बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ रही होगी दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैंने इसमें लीड लगा चुका हूँ 3 स्पीड की, आपको दिख ही रहा होगा, मैंने इसमें आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने इसमें लीड लगाई है। मैंने जो आपको पहले बताया था मीडियम जो निकालती शुरुआत में, ये देखो आप 2 तार की मीडियम, इसमें मीडियम, और इधर पे जो निकाली थी मैंने आपको दिखाई थी लो, इसके बगल में जो है 3 तार जो मैंने आपको बताई थी, 3 तार आखिरी का सिरा लिया था इसमें, और इधर का स्पीड का सिरा मैंने इसमें लिया था जो हमारी हाई बन चुकी थी काली तार की। ओके दोस्तों, ये हमारी हाई है, 3 तार इसमें, और हमारी ये कॉमन है, इसमें 2 तार जुड़ती है, एक कैपेसिटर की और एक ब्लू यानी कॉमन मेन तार जो होती है, और हमारी स्टार्टिंग की तार ये रही जो इधर से निकल रही है, 2 तार जो मैं आपको बोल रहा था, एक सिरा इधर का निकला, दूसरा इधर का निकला था, दूसरा मैंने हाई में जोड़ दिया, स्पीड का सिरा शुरू में था वो मैंने हाई में जोड़ दिया इधर का, और रनिंग का सिरा हाई में जोड़ दिया, 3 तार मिलके हाई बन गई। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है, मैंने इस वीडियो में दिखाया भी किस तरीके से हाई बनाते हैं, 3 स्पीड में किस तरीके से मोटर वाइंड होती है, वो मैंने आपके सामने दिखा दिया। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि ये वीडियो हमारी आगे तक आगे चल सके। और मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 85-10-88-40-41, कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी बात हो, तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं किस तरीके से मोटर वाइंड होती है। ओके दोस्तों, और बस मेरी वीडियो में इतने, बाकी मैं आपको इस मोटर का एम्पेयर भी चेक करवाऊंगा कि मेरी मोटर कितने एम्पेयर लेती है। ओके दोस्तों, बाय।
दोस्त, हमारी मोटर हो चुकी है कंप्लीट। अब इसे मैं वार्निश कर दूंगा। थ्री स्पीड मोटर वाइंड में कर चुका हूँ, कैपेसिटर की तार दो तार एरिया अलग से और थ्री स्पीड की तार एरिया अलग से। और इसके सबके मैं एम्पियर आपको चेक भी कराऊंगा, कितने एम्पियर पे कितने कौन सी लीड पे कितने एम्पियर लेते हैं। हाई वो हाई जो है ब्लैक है, इसके वाइट जो है मीडियम है, रेड लो है और ये कॉमन है हमारी ब्लू। ओके दोस्तों, और हमारी मोटर हो चुकी है कम्प्लीट। पेपर वेपर सब दबा दिए मैंने, 1400 RPM, 1350 RPM और कैपेसिटर इसमें 15 का। और मैं आपको इसके लिए एम्पियर भी चेक कराऊंगा अपने इस वाट मीटर पर। ओके दोस्तों, आप देख के बताइए इस मोटर कैसी हुई है, किस तरीके से लग रही है, कमेंट से प्लीज़ बताइए ज़रूर। ओके दोस्तों, जितने मेरे सब्सक्राइबर जितने मेरे व्यूजर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाओ ताकि मेरा भी चैनल ग्रोथ हो और मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला के आपके माध्यम से आपको वीडियो दे सकूँ। आपको जितने भी हो सके, जितने मेरे पास मोटर है सबकी मैं जानकारी आपको दे सकूँ। ओके दोस्तों, मेरे चैनल ऐसा जो एसी की स्पेशल एसी की ही मोटर वाइंड करता है, कोई सी भी मोटर हो, और उसमें ही मैं सारी जानकारी देता हूँ। स्पीड हो किस टाइम पर क्या, सारे तारे स्टिकर फटा हुआ है तो मैं इस पर भी जानकारी देता रहता हूँ, कौन सी कॉमन है, कौन सी मीडियम है, कौन सी स्टार्टिंग है। ओके दोस्तों, आपका अपना कुणाल इलेक्ट्रिकल्स को सपोर्ट करो। ओके दोस्तों, बाय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुणाल इलेक्ट्रिकल्स में। मेरे पास ये मोटर कल आई थी, मैं इसे वाइंड कर चुका हूँ और मैं इसके आपको एम्पेयर भी बताने के लिए बीच में बोला था कि मैं आपको इस मोटर का एम्पेयर चेक करवाऊँ, कितने एम्पेयर ये लेती है, और मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस मोटर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसके RPM है 1350, एम्पेयर 3.0, वाट है 450 और वोल्ट है 220-240 में चल जाती है। और रोटेशन इसकी है सीधी, आगे से लीड साइड एंटी है और कैपेसिटर इसमें है 15 का। ओके दोस्तों, और इसका जो स्टिकर है लीडो का डायग्राम वो फट चुका है, फिर भी मैं आपको उसके कनेक्शन प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि ये इसके कनेक्शन है। ब्लू इसकी कॉमन है, वाइट इसकी मीडियम है, रेड इसकी लो है, ब्लैक इसकी हाई है। ओके दोस्तों, और जो इसका जो 15 का कैपेसिटर है वो है वीक, ख़राब है ये, बिल्कुल डेड है ये। ओके दोस्तों, हम करेंगे अपने चेक, ये 10 का और ये 5 का, तो 15 का हमारा हो गया। और मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाऊंगा अपने इस एम्पेयर मीटर से। ओके दोस्तों, वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8510-88-40-41, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ और मैं आपको इस मोटर के आपको अब एम्पेयर चेक करवाता हूँ जो मैंने कल इसे वाइंड करी थी। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, मैंने कैपेसिटर की तार लगा चुका हूँ इसमें, आप देख सकते हैं 10 का और 5 का 15 कैपेसिटर, और मैंने इसमें अपनी एक काली तार जोड़ दिए जो वाट एम्पेयर मीटर में। अभी मैं इसका बटन ऑन करूँगा, फिर मैं आपको इसके हाई मीडियम लो में चेक करवाऊँगा कितने एम्पेयर लेती है। ओके दोस्तों, और मैं ये बटन ऑन कर चुका हूँ और मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाऊँगा। और मैंने इसे ब्लू में एक तार जोड़ चुका हूँ। ओके दोस्तों, अब ये मेरी हाई है, ये देखिए हमारी इस टाइम हाई चल रही है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखो चल रही है मोटर हमारी। और इसके एम्पेयर देखो 0.60 एम्पेयर है इसके। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इसकी मीडियम चेक करवाता हूँ। ओके दोस्तों, तार हिल रही है इस वजह से ये ऐसे दिक्कत दे रही है, 0.61 या 60 समझ लो। ओके दोस्तों, और मैं आपको इसकी मीडियम चेक कराऊँगा। मीडियम जो है इसकी वाइट है, ये देखो हमारी ये मोटर चल रही है और ये हमारे मीडियम के एम्पेयर है 0.45। और आपको लो भी चेक करवाता हूँ, इससे कम लेगी वो। ओके दोस्तों, और आपको चेक करवाता हूँ ये मीडियम जो उसकी लाल है, ये देखो हमारी मीडियम तो लो चल रही है हमारी, और लो देखो हमारे कितने कम एम्पेयर ले रही है 0.36। हेलो दोस्तों, ओके दोस्तों, 0.36 ये इस मीटर के एम्पेयर है। हमारी वर्क जो कर रही है थ्री स्पीड मोटर, हाई मीडियम लो कम ले रही है, पहले उससे ज़्यादा ले रही थी, फिर उससे कम ले रही थी, फिर उससे ही कम ले रही थी लो हमारी। ओके दोस्तों, मैंने आपको इसकी मीडियम चेक करवा दी है, स्पीड चेक करवा दिया, हमारी स्पीड है काम कर रही है। ओके दोस्तों, ये मैंने थ्री स्पीड मोटर वाइंड करी थी तो थ्री स्पीड के तीनों स्पीड मैंने आपको चेक करवा दिया, हाई पे कितने ले रही है, मीडियम पे कितने ले रही है और लो पे कितने एम्पेयर ले रही है। ओके दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका कुणाल इलेक्ट्रिकल्स में स्वागत रहेगा हमेशा, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम एक से एक नई वीडियो की एक से एक नई मोटर पर आप वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।